हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है मैं लेकर आती हूँ नए नए टॉपिक्स, तो हम आज फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर के। एक नया एलिमेंट जो है बहुत चर्चा में चल रहा है वो है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्निया नहीं है, देश का नाम नहीं है, यहाँ पे कैलिफोर्नियम है। इसका नाम भी कैलिफोर्निया की वजह से ही पड़ा है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे भाई कैलिफोर्नियम क्या है, क्यों चर्चा में चला। तो बिहार से न्यूज़ आई है, ज़्यादातर जो ऐसी न्यूज़ है बिहार में ही। तो एक बहुत ज़्यादा मतलब महंगा प्रोडक्ट, मतलब महंगा तत्व है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लगभग आपका यहाँ पे है 50 ग्राम है और बताया जा रहा है कि उसकी कीमत होने वाली है 850 करोड़। तस्करी की जा रही थी, अभी जो है उसकी जांच परोख नहीं की गई है, मतलब अभी तक पता नहीं कि सच में ये ही कैलिफोर्नियम है या कुछ और है ये। तो यहाँ वहाँ पे 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके फ़ोन वगैरह जब्त किए गए हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि किसको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया है, ऐसी तस्करी वगैरह होती रहती है। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये एलिमेंट आखिरकार है क्या और इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है इसकी। लगभग मतलब 50 ग्राम इसका है 850 करोड़, और बोला जा रहा है कि 1 ग्राम इसका 17 करोड़ रुपए का होता है। मतलब सोना, तो सोना चांदी हीरे मोती जो भी आप साइड में रख दीजिए, इतना ज़्यादा महंगा है। तो देखो, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो बहुत महंगी होती है ना, वो गहने बनाने के काम नहीं आती है, वो अलग ही चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द सीज्ड 50 ग्राम्स ऑफ रेयर कैलिफोर्नियम स्टोन वर्थ ₹850 करोड़। यहाँ पर देखो ये इस तरीके का दिख रहा है, इमेज क्लियर है तो ठीक है। अगर आपको बहुत मन करे कि कैसा दिखता है, गूगल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो पुलिस ने सीज किया है, यहाँ पे 850 करोड़ जो है इसकी कीमत होने वाली। बिहार में चीज़ें चल रही थी, तस्करी की जाए तो अभी हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट आखिर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। आपसे कभी कभी होता है कि इस टॉपिक से उठा करके वन लाइनर फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछेगा और पता नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। देखो पहला क्या है, इसका सिंबल या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होता है ना कार्बन का सी होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, तो कैलिफोर्नियम का है CF, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका है 98, सॉलिड स्टेट में रहता है 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, अगर बात करें किसने खोज की थी इसकी, अब यहाँ पे खोज तो किसी के द्वारा की ही गई होगी, तो क्या है लॉरेंस बार्कले, इनका नाम लॉरेंस बार्कले, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर क्या लिखा है, कैलिफोर्नियम एक एलिमेंट है जिसे एक्टिनाइट ग्रुप में रखा गया है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो एक ग्रुप है जिसका नाम है एक्टिनाइट ग्रुप, उसमें इसको रखा गया। और अगर हम बात करेंगे भाई इसका नाम कैलिफोर्नियम क्यों, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के शोधकर्ताओं ने जो है बम्बार्टमेंट की थी, आपको पता है एटोमिक बम्बार्टमेंट की जाती, उसके थ्रू इसको बनाया था। उसको भी हम आगे अच्छे से देख लेंगे डिटेल में कि क्या कैसे रहा है। देखो यहाँ पर लिखा, अगर पूछा है कि भाई कैसे कहाँ पर पाया था, तो प्राकृतिक रूप से आपको ये नहीं मिलेगा, जैसे नेचुरली आपको सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है, हीरो मिल जाते हैं, तो अलग अलग जो हमारे मतलब मिनरल्स हैं या फिर मेटल्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली, वो हमको नेचुरली मिल जाते हैं। लेकिन ये जो है नेचुरली आपको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियली मेड है, ठीक है। तो देखो लिखा, प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, आयंस के बम्बार्डिंग के बाद बनता है। दो आयंस को आपस में बम्बार्डिंग करवाते हैं, बहुत सारे आयंस को, तो इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कैलिफोर्नियम, ठीक है। और इसका यूज अभी बताऊंगी मैं आपको इस आगे कि इसका जो है इतना, मतलब इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। मैन मेड है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, नेचुरली नहीं मिलता है। 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, ठीक है। एक मिनट में लगभग 170 मिलियन न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। अब आपको समझ में यहीं से आना चाहिए कि भाई 170 मिलियन न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एटॉमिक रिएक्टर्स में, एटॉमिक बॉम्ब्स में, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे मतलब 10 ग्राम 50 ग्राम ऐसे 100 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट की जाती है या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पे बनाया जाता है, आप ठीक है। फिर लिखा है न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। 1 ग्राम की कीमत लगभग 17 करोड़ होती है, ये आपको ऑलरेडी मैंने समझाया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, अगर बात करें इसका उपयोग क्या करते हैं, यूजेस क्या होने वाले इसके, आप इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया था, तो ऑलरेडी आपको एक बता दिया है मैंने, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्टअप सोर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो जैसे आपके तेल के कुएं होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई पानी क्लियर है कि नहीं है, पेट्रोलियम के क्लियर है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मेटल एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो होते हैं, आपके एयरक्राफ्ट जो बनते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं, उसमें जो मेटल पार्ट्स होते हैं कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, अगर बात करें कि भाई इसको जो है सीज क्यों किया गया है,
जब्त कर लिया गया है। सोना होता कुछ समझ में आता कि ठीक है उसकी कीमत ज़्यादा होती है या तस्करी करना अलग देशों से मना है। यहाँ पे इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रेडियो एक्टिव है, अगर कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसको कैंसर हो सकता है। इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, वहाँ पर कंटेमिनेटेड चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर बैन किया गया है। और इसका जो है कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है, कहीं से भी तस्करी वगैरह होती है तो इसको बैन करके रखा गया है। तो ये हमारा सारा हो गया इसके बारे में। एक क्वेश्चन डाला है हमने, उसको देख लेते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कैलिफोर्नियम क्या है कैसे है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है, लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, हाल ही में चर्चित कैलिफोर्नियम एक प्राकृतिक तत्व है। आपको मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक तत्व नहीं है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमको इन एनवायरनमेंट पे नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा है, इसकी खोज जो है लॉरेंस बार्कले द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, दूसरा सही है। यहाँ पे पूछ कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो विकल्प बी हमारा इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की क्योंकि किसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इसका केमिस्ट्री वाला हमने पोर्शन कवर कर लिया है और उसके जो फैक्ट्स थे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ हमने वो भी कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो जो आपको टाइम्स मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।